अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं। ये वीडियो होने वाली है सीज़न 18 के अंदर जो अपग्रेडेबल स्किन्स आ रही हैं उससे रिलेटेड। तो आपको जो है ना जोकर की स्कारल की एक स्किन देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा जो है एक बैरल की स्किन भी काफ़ी अरसे बाद जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया था कि बैरल की स्किन उनको देनी चाहिए, तो इस सीज़न में जो है ना आ रही है एक बैरल की स्किन। इसके अलावा जो है ये दो स्किन जो है ना लूट क्रेट वाली होने वाली हैं, और इसके अलावा जो दूसरी स्किन है जिसमें ग्रूजा M24 SLR की जो है ना वो सिर्फ किल मैसेज तक वाली आ रही हैं जो कि लकी क्रेट में आने वाली हैं। तो चलें सबसे पहले जो है ना स्कारल की जो है ना फूल वाली स्किन है वो देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल जैसे मतलब M4 फूल की स्किन थी उस तरह की है। तो इसका अगर किल मैसेज की बात करें, किल इफेक्ट सॉरी, तो उसके अंदर मतलब एक एनिमेशन सी है और उसके अंदर ऐसे जोकर का जैसे मास्क टाइप होता है उस तरह का मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक जो है वो इफेक्ट, इसका किल इफेक्ट जो है ना देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा सीज़न जो है थर्ड एनिवर्सरी जो पबजी की हो रही है तो उससे रिलेटेड है। तो अभी देखते हैं ये स्कारल के अंदर जो है ना एडवांसमेंट फॉर्म पे थोड़े से मतलब इसके टेक्सचर मतलब खूबसूरत करके इसको निकाला गया है। तो भाई ये स्किन तो हर सूरत में इसको मतलब हम अपग्रेड करेंगे ही करेंगे। तो इसके बाद जो किल मैसेज जो है ना भाई वो चेक करें यार, मतलब उसके साथ में शुरू में जैसे वो फूल वाला था उसी तरह का मतलब एक जोकर जो है ना शुरू में दिखाते हैं, और ऐसे मतलब एनिमेशन ही है और ऐसे मतलब जो हार्ट स्माइलीज होती हैं वो भी शो हो रही हैं। तो मतलब ये एक लॉबी में ना तहलका मचाने वाला मैसेज होता है जो फूल का जो है ना। तो इसकी फाइनल फॉर्म देखें तो गाइज बहुत ही मतलब खूबसूरत है, एनिमेशन है, दोनों साइड से आँखें जैसे जोकर निकाल रहा हो तो इस तरह का मतलब करके थोड़ा सा मतलब बहुत ही प्यारी मतलब एक जो जोकर वाला जो स्कारल है वो बहुत ही मतलब खूबसूरत होने वाला है। तो इसका जो लूट क्रेट है वो भी मतलब बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो M4 फूल का जो लूट क्रेट था उसकी तरह का नहीं बनाया गया, लेकिन इसकी स्माइलीज मतलब बनाई गई हैं जैसे वो हंस रहा हो, तो इस तरह का जोकर का मतलब उसका फेस बनाने की कोशिश की गई है इसके लूट क्रेट में। तो भाई ये 27 मटेरियल में फुल मैक्स होती है, तो एटलीस्ट 40,000 to 50,000 UC जो है ना आपके लाजमी लग जाते हैं। तो चलें इनके अभी तक नाम जो है ना वो हमें पता नहीं चले, लेकिन आपको सिर्फ टेक्चर और इनके जो मतलब इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं तो वो आपको दिखा देते हैं। चलो ये बैरल की जो स्किन होने वाली है ये भी लूट क्रेट तक होगी और ये थर्ड एनिवर्सरी से रिलेटेड है। तो किल इफेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि थर्ड जो है ना 3 लिखा हुआ है, तो मतलब थर्ड एनिवर्सरी से रिलेटेड है। और इसके इफेक्ट के अंदर भी हार्ट की ऐसी स्माइली सी शो होती हैं और मतलब पिंक ग्रीन सा जो है ना वो एक मतलब इफेक्ट शो होता है। तो एडवांसमेंट फॉर्म पे मतलब ठीक ठाक सी है, पिंक और पर्पलिश साइज को मतलब इफेक्ट देने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद जो है इसका किल मैसेज जो है ना वो बहुत मतलब अच्छा लगा है मुझे गाइस, बिल्कुल मतलब ऐसे एनिमेशन सा और मतलब बहुत ही मतलब खूबसूरत सा है। बैरल की जो पहले स्किन आई थी सिर्फ किल मैसेज तक थी वो भी अच्छी थी, लेकिन यार इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो ऑर्नामेंट वगैरह तो बेसिक ये देती रहती है। फाइनल फॉर्म पे मतलब ठीक ठाक सा इसका लुक हो जाता है। इसके अंदर फाइनल फॉर्म पे एनिमेशन नहीं दी गई लेकिन देनी चाहिए थी। बहरहाल ठीक है, उनका मतलब थीम से रिलेटेड केक की तरह का जैसे होता है, तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा इसको लुक देने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद जो इसका लूट क्रेट है उसके बिल्कुल राइट साइड पे एक जो है ना बियर की भी है, और मतलब सही अच्छा मतलब ठीक ठाक सा प्रेजेंट और केक की तरह का जो लूट क्रेट होता है वो बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनकी थर्ड एनिवर्सरी है तो जो सीज़न होने वाला है उसी से रिलेटेड है। तो चले गाइस, अब ग्रूजा की जो है अपग्रेडेबल स्किन जो है वो आप बेसिक अपेयरेंस आप इसकी देख सकते हैं किस तरह की मतलब अच्छी है, ब्लैक और इसके बाद जो है ना मतलब ब्राउन टाइप जो है ना डार्क ब्राउन इस तरह के कम्बिनेशन में। एडवांसमेंट फॉर्म पे यार ये ठीक हो जाती है, पिंक और मतलब प्रेजेंट केक जिस तरह वो बैरल की स्किन थी उसी तरह के टेक्सचर हैं, लेकिन ये मतलब खूबसूरत लग रही है, मतलब बहुत अच्छी एक अपग्रेडेबल स्किन आपको देखने को मिल जाएगी। तो किल जो मैसेज है वो भी मतलब बहुत ही खूबसूरत है, उसके शुरू में हार्ट के दो स्माइलीज हैं और साथ में जो है ना वो एनिमेशन से शो होता है। तो फाइनल फॉर्म पे कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी ये स्किन, तो ठीक ठाक सी है मतलब इसकी अपग्रेडेबल स्किन। तो अगर ये यार 9 मटेरियल में मैक्स होती है तो भाई मेरे ख्याल में तो दी बेस्ट हैं। इस तरह की जो किल मैसेज वाली होती हैं तो वो बहुत अच्छी रहती हैं, और M24 की ये एक स्किन जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें दो जो है ना जो बीटा वर्जन है उसके अंदर दो पबजी ने इंट्रोड्यूस कराई हैं, आप देखते हैं कि कौन सी जो है ना पहले आती है। तो इस तरह का इसका धुआं जो है ना किल इफेक्ट जो होता है वो इस तरह का शो होगा, और साथ में जो म्यूज़िक है वो भी शो होगा।
तो इसको देख के मुझे जो जो गोल्ड टीयर पे जो मतलब आपको एक रिवार्ड देखने को मिल जाता है एक आउटफिट, तो डायमंड पे मोस्ट प्रोबेबली, तो उस तरह का ही मतलब इसको म्यूजिक से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी ये एनिवर्सरी है, तो पूरा जो ये सीजन है उन्हीं उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो इसके अलावा एक एक्स सूट जो है ना, मतलब अपग्रेडेबल एक आउटफिट भी आ रहा है ब्लड रेमन, उसके लिक्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करके दिखाता हूँ, उसका मतलब किस तरह का खूबसूरत दिखाई देता है। चलें गाइस, ये जो है ना मतलब M24 की एक स्किन आने वाली है, और इसके बाद दूसरी जो SLR की एक स्किन है वो आपको इस तरह की दिखाई देगी अपग्रेडेबल किल मैसेज वाली जो है ना। तो मेरे ख्याल में ये जो अगर मतलब आप ज़्यादा जैसे DMR हैं या मतलब जो स्नाइपर राइफल्स हैं तो इस तरह की अच्छी रहती हैं, मतलब ठीक ठाक, मतलब बहुत सस्ते में पड़ जाती है आपको। अदरवाइज़ फुल मैक्स करने में तो 27 मटेरियल चाहिए होते हैं लूट क्रेट वाली, तो ये ठीक है, मतलब आपकी बहुत जल्दी मैक्स हो जाती हैं, 8-9 मटेरियल के अंदर फुल मैक्स हो जाती है। तो किल मैसेज इसका पिंक सा और वाइट पिंक और साथ में फ्लावर्स भी हैं। तो गाइज हम बैरल की ऑन हिट इफेक्ट वाली लोटस फ्यूरी का बहुत वेट कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द ही जल्द जो है ना इंट्रोड्यूस कराए पबजी, ताकि एक किल इफेक्ट वाली अच्छी जो है ना स्किन देखने को मिल जाए। तो फाइनल फॉर्म पे कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी, तो जो सेकंड जो हमारी M4 की स्किन जो है वो आपको इस तरह की कुछ शो होगी। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये स्किन कौन सी इनमें से जो है ना पहले देते हैं और कौन सी बाद में देते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना बीटा वर्जन के अंदर आ चुकी हैं दोनों की दोनों स्किन्स। तो एडवांसमेंट फॉर्म पे ठीक है ये, इसकी जो एडवांसमेंट फॉर्म और लुक जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन इसका किल मैसेज थोड़ा इतना मतलब अच्छा नहीं लगा जिस तरह का पहले था ना, बेसिक सा मतलब इसका किल मैसेज है। तो लेकिन सब जो एंड पे जब फाइनल इसके रिलीज होती है तो कुछ थोड़ी सी वेरिएशन होती है, वो देखते हैं कि अगर कौन सी अच्छी लगती है, तो वरना इसके जो फाइनल फॉर्म है बहुत ही तबाही है और बहुत ही मतलब अच्छा जो है ना इसका लुक देने की कोशिश की गई है। तो गाइज आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी है और आप कौन सी अपग्रेड करेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और साथ में जो है ना आपको तमाम जो है ना लीक्स दिखाएंगे जो इस सीज़न से रिलेटेड आ रहे हैं, जो मतलब टीयर रिवार्ड्स हैं और 1 to 100 RP रिवार्ड्स, वो भी बहुत जल्द मतलब आपको शो कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ जो है ना अभी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वो जो एक्स सूट हमारा अपग्रेडेबल आउटफिट फेरो की तरह का आने वाला है वो आपको दिखाएंगे। चलें गाइस, इसमें वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।